हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज ऑटोमेटा और ऑटोमेटा का टीओसी में क्या यूसेज है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ऑटोमेटा को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में हमने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया और ऑटोमेटा में जितनी भी हम वीडियोज बना रहे हैं, टीओसी के अंदर जितनी भी वीडियोज बना रहे हैं, ये वीडियो सारी लिंक्ड है। पहले आपको वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको क्लियर है तभी आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो समझ में आएगी, क्योंकि वो सबसे पहली वीडियो लैंग्वेज के ऊपर ही सबसे पहले मैंने बनाई है। तो लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया था कि दो तरीके से हो सकती है, या तो लैंग्वेज होगी फाइनाइट या फिर होगी इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, लैंग्वेज होती क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। अब अगर उसके अंदर मेरे पास फाइनाइट मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है तो वो बन गई फाइनाइट, और अगर उसके अंदर इनफाइनाइट मतलब आप कह सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अगर स्ट्रिंग्स बन रही है तो वो लैंग्वेज क्या बन गई अपनी, इनफाइनाइट। कैसे, लेट्स सपोज मेरे पास अल्फाबेट है ए और बी, और अब मुझे लैंग्वेज बनानी है एक, और उस लैंग्वेज के अंदर सारी स्ट्रिंग्स की लेंथ जो है वो लेट्स सपोज 2 होनी चाहिए, मतलब वो सारी स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 2 है। तो कैसे आप बनाओगे, हमारे पास अल्फाबेट पहले ही डिफाइंड है ए और बी, तो आप बना सकते हो एक ए और ए, ए बी, बी ए, बी बी, तो ये चार पॉसिबल है। तो देखो चार है मतलब फिक्स्ड है, तो ये बन गई आपकी फाइनाइट लैंग्वेज। ऐसे ही लेट्स सपोज अगर हम इनफाइनाइट लैंग्वेज की बात करें तो इनफाइनाइट में लेट्स सपोज कि वो सारी स्ट्रिंग्स जिसके अंदर एटलीस्ट 1A होना चाहिए, मतलब मेरे को वो लैंग्वेज बनानी है विच कंटेन्स ऑल द स्ट्रिंग्स, एटलीस्ट 1A उसके अंदर होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1A। अब एटलीस्ट 1A बनाने के लिए क्या करोगे आप, देखो A, 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 ये भी पॉसिबल है, देखो इनके अंदर सारों के अंदर क्या आ रही है, एटलीस्ट 1A का मतलब क्या है, कम से कम एक A होना चाहिए, तो देखो कम से कम एक A है। इसके अलावा लेट्स सपोज ए बी, ए बी, ए बी, इस तरीके से अगर आप ग्रो करोगे तो देखो इसके अंदर भी एटलीस्ट 1A आ गया। ऐसे ही आप बना सकते हो बी ए। तो कहने का मतलब क्या है, ये लैंग्वेज आपकी बनेगी इनफाइनाइट। अब लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको कोई स्ट्रिंग दे दूं, लेट्स सपोज ए बी बी ए, कुछ भी ए बी बी ए, तो मुझे पता करना है कि क्या ये स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। सिंपल सा फंडा है, लेट्स सपोज आपने कोई इंग्लिश में सेंटेंस लिखा, वो सेंटेंस लैंग्वेज के अंदर कंसीडर होता है या नहीं, लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए आप कैसे, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं, या क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं। इसके लिए या तो एक मेथड आपके पास क्या है, आप उस लैंग्वेज को मेमोरी के अंदर स्टोर कर लो, मतलब उस लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स आ रही हैं सारी स्ट्रिंग्स को आप लैंग्वेज के मतलब मेमोरी के अंदर स्टोर कर लो, और फिर एक एक करके आप चेक कर लो क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। और ऐसे ही आप इनफाइनाइट में भी कर सकते हो, इनफाइनाइट के अंदर आप सारी के सारी स्ट्रिंग्स को मेमोरी के अंदर स्टोर कर लो और एक एक करके आप मैच कर लो क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो देखो फाइनाइट के केस में तो ये पॉसिबल है, फाइनाइट के केस में तो ऑब्वियसली मेरे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो आप उसको मेमोरी में स्टोर करके एक एक करके आप मैच कर लो कि क्या ये बराबर है या नहीं। लेकिन इनफाइनाइट के केस में कैसे पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है और आप कैसे उसको सबसे पहले स्टोर करोगे, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ही इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट को आप मेमोरी के अंदर स्टोर ही नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आप मैच कैसे करोगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटा। तो ऑटोमेटा है क्या, ऑटोमेटा है एक तरह से मैथमेटिकल मॉडल, या आप कह सकते हो मशीन जो हेल्प करती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और प्रॉब्लम क्या है कि वेदर द लैंग्वेज इज अ वेदर अ स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज और नॉट, मतलब आपको कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है क्या वो स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर आती है या नहीं आती, इस टाइप को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इस मशीन को, इस मॉडल को जिसको बोलते हैं ऑटोमेटा। और टीओसी के अंदर जो मेन हमारे पास आते हैं, सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके बाद हमारे पास आता है पीडीए दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा, देन हमारे पास आता है LBA
लीनियर बाउंड ऑटोमेटा और फिर हमारे पास आता है ट्यूरिंग मशीन। तो ये चारों जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टीओसी के अंदर, तो जिसको हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटा। आपसे अगर कोई भी पूछता है कि ऑटोमेटा है क्या, तो ऑटोमेटा तो पता है व्हाट इज द ऑटोमेटा, इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल, इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, लेकिन उसका यूज क्या है, उसका यूज आपको अब पता लगेगा कि किस स्ट्रिंग को, मतलब अगर आपको चेक करना है कि क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर बिलोंग करती है या नहीं करती, उसके लिए आपको हेल्प करेगा कौन, मशीन दैट इज ऑटोमेटा। थैंक यू।